नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज हम रिएक्ट करने वाले हैं रंग महल ओएसटी पर, जिसे हमें सजेस्ट किया है हमारे सब्सक्राइबर्स ने, जिनका नाम है महशबीन फारिद, उमर जाहिद, मुमाना मकसूद, फरहान अहमद, फैजल अली, अफसरा खान, अमीरा आतिफ, जुल्करमान हसन, लीना अमीर, अमल राणा। सो विदाउट एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आँखों की झील से गम जो है बह रहा, दर्द जो मिल रहा था मुझे बस वो मिल गया, दिल के शहर में छाई वीरानियां, तन्हाइयों की भीड़ में चैन खो गया। उदासियां का है ये कैसा सिलसिला, जो चाहता
मंजिल है तुम्हारी थी चाहतों से जो नहीं है अब वो महफिल है सुना सा हो गया रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर। सिंगर की वॉइस काफी अमेजिंग क्योंकि ये शायद ये भी पाकिस्तान काफी अच्छे सिंगर हैं। साहिर अली बग्गा इसमें से एक होंगे। तो मतलब काफी जो कास्ट है इसमें इसमें से इसमें तो खानी का जो भाई था मतलब खानी का भाई खानी के पप्पा है इसमें मतलब काफी सारे कास्ट हैं। दो दो तो हैं खानी के ही जो काफी मतलब लोग देख रहे हैं फिलहाल में उसको बड़े काफी अमेजिंग सीरियल मेरे को लग रहा था। मतलब इस सीरियल का एक भी मतलब जो यू नो ओएसटी हम लोग देख रहे हैं फिर भी एक सेकंड भी बोर नहीं लगा है ना। सीन काफी अच्छी से अच्छी सी गई और इसमें मतलब मुझे एक चीज समझ नहीं आया कि मतलब इसमें दो एक्टर रहते हैं और आई थिंक दो एक्ट्रेस भी रहती है। हाँ दो एक्ट्रेस होती है लेकिन इसमें से जो मेन लीड एक्ट्रेस है वो कहानी के जो भाई के साथ है वही है। हाँ तो वो है बट ये क्या दिखा रहा है वो जो एक्ट्रेस है उसका दोनों के साथ कनेक्शन रहेगा अभी तक। ओके लेकिन वो जो एक और जो साइड एक्टर रहता है वो तो मतलब किसी और के साथ शादी करता है मेरे हिसाब से दूसरी शादी होगी। देखो मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ ये जो एक्ट्रेस है पहले इसके साथ मतलब ये रहेगी जो कहानी का भाई है लेकिन आगे जाकर उसका डिवोर्स हो जाएगा जो जो है क्या बोलते मोटे मोटे जो रहता है ये क्या बोलते हैं मूंछों वाला मूंछों वाला मुझसे दोनों का ये अलग वाले से बात उसका स्पेशली है। हाँ तो उसकी शायद डिवोर्स हो जाएगी तो फिर इससे ही शादी करेगा वो। हाँ लेकिन और इसके चलते जो ये कहानी का भाई है इसका बढ़ जाएगा इसीलिए इसको ट्रायंगल बोलेंगे इन दोनों के बीच में आ जाएगा। हाँ इन दोनों के बीच में आ जाएगा। समझ में आ गया ये स्टोरी मेरे भाई ने समझा दिया। मतलब जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ मुझे नहीं पता कि ये क्या ये रियल स्टोरी है क्या ये बेस्ट है पता नहीं अब ये कैसे जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ ओएसटी देख सिर्फ हम ओएसटी देखकर समझ पा रहे हैं पता नहीं इसलिए बड़े सीरियसली मेरे को ये सीरियल काफी अच्छा लगा। सीरियसली ओएसटी से मैं बोल रही हूँ मुझे इस सीरियल का एक भी सीन बोर नहीं लगा। मेरे हिसाब से इसलिए बोर नहीं लगा क्योंकि साहिर अली बग्गा की आवाज ही चलती है इतनी अच्छी से इसने गाया है। वो तो है बट मतलब उनकी तो मतलब है ही इसमें बट जो सीरियल भी है मतलब ये काफी अमेजिंग मेरे को लग रहा है। आई थिंक ये पाकिस्तान का पॉपुलर सीरियल में से एक होगा। मेरे हिसाब से हमारे सब्सक्राइबर्स ने हमें कमेंट किया है कि रंग महल अभी ये ट्रेंडिंग पर चल रहा है पाकिस्तान के सीरियल में। मतलब ये न्यू सीरियल है। हाँ ये न्यू सीरियल है काफी अमेजिंग है। काफी अमेजिंग ओएसटी थी और ये बताओ तुम्हें सबसे अच्छी बेस्ट सीन्स कौन लगी इसमें इस ओएसटी में। ओएसटी में बेस्ट सीन क्या बताया जाए बट फिर भी मतलब एक जो होती है ना कोई अच्छी सीन जो सबसे अच्छी लगी बट मुझे जो इसकी मतलब जो इसकी स्टोरी लग रही है मुझे काफी अच्छी लग रही है। नहीं स्टोरी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि मतलब ये जो ओएसटी है इसमें सबसे अच्छी सीन कौन सी लगी। इसमें मुझे सारी सीन अच्छी लगी। सारी सीन अच्छी लगी सबसे अच्छी कौन सी लगी। सबसे अच्छी क्या बताओ अगर एक एपिसोड होता तो मतलब कर पाते। चलो सेम क्वेश्चन तुम्हें इस जो ओएसटी है इसमें सबसे अच्छी सीन कौन सी। अच्छा मुझे सबसे अच्छी लगी जो ब्राइट वाली लुक है ना उसमें जो डांस करते हैं दोनों ब्राइट वाली लुक मुझे काफी अच्छी लगी क्योंकि पता नहीं मुझे एक्ट्रेस के नाम तो नहीं पता लेकिन एक्ट्रेस काफी अच्छी है। वहाँ मुझे कौन सीन अच्छा लगा मुझे पता है मतलब मुझे याद आ गया एक जो आई थिंक शादी हो रहा है आई थिंक जो जिससे वो करती है मतलब जिसको वो लाइक करती है आई थिंक उसका ही शादी थी किसी और साथ हो रहा है हाथों में मेहंदी लगा रहा था तो वो याद करती है कि मेरे हाथों में भी मेहंदी लगा रहा था तो मुझे वो सीन मतलब अच्छी लगी। अच्छा सीरियसली मुझे वो सीन अच्छी लगी। अच्छा काफी सही है। तो ये काफी ही अमेजिंग सीरियल था मतलब ओएसटी था काफी अमेजिंग ओएसटी थी। मेरी सबसे ओएसटी इतनी अमेजिंग थी सीरियल कैसी होगी आपका सीरियल बहुत ही अच्छी होगी। सो थैंक्स फॉर सजेस्टिंग गाइस। तब तक के लिए आपने ख्याल रखिए और हमारा भी लाइक कीजिए हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और शेयर कीजिए शेयर करें जितना हो सके। तब तक के लिए नमस्कार।